नमस्कार किसान भाइयों, आपका पोल्ट्री नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा बर्ड 5 दिन का हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने छोटे बर्तन अपने सारे फार्म में से उठा दिए हैं और बर्ड को बड़े बर्तनों का शिफ्ट कर दिया है और इसमें सभी बर्तन बड़े फीडर लगाकर और उनकी रस्सियों को टाइट कर दिया है, जिससे कि फीड अपने आप बाहर आता रहे और बर्ड बड़ी है आसानी से फीड को अपना खाता रहेगा। और हमने अपने पानी वाली ड्रिंकिंग लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, जिससे कि बर्ड की को पानी पीने में आसानी हो और बर्ड ही बड़े आसान तरीके से पानी पी रहा है, क्योंकि उसकी जो निप्पल की हाइट है हमने बर्ड की सिर के आसपास रखी हुई है, जिससे कि उसकी आँख के बराबर होनी चाहिए। और इस प्रकार हमने अपने बर्ड का स्पेस भी बढ़ा दिया है और आज शाम को हम अपनी निप्पल कप की सफाई करेंगे। वो सारा बर्ड की मान लो वैक्सीनेशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल को बर्ड हमारे 6 दिन के हो जाएंगे और हमें 6 दिन वाली लसोटा वैक्सीन करवाएंगे। और बर्ड बिल्कुल ओके है और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और 5-6 मेडल्टी नॉर्मल मेडल्टी अपने फार्म पर चल रही है। और 6 दिन की वैक्सीन करवाने से पहले हमने आज मल्टीविटामिन की 1 डोज बर्ड को दे दी है और फिर वैक्सीन के बाद हमने 1 डोज विटामिन ई केयर्स हर्बल, जो कि कारगिल कंपनी का आता है, उसकी डोज लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे अगर कैल्शियम की ज़रूरत हुई तो देंगे और नॉर्मल वाटर सैनिटाइज़र ही हमारा फार्म पर चलेगा। और जगह खुलने के बाद बर्ड काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं और जैसे ही आवाज़ लगाने पर बच्चा भागता हुआ आगे की तरफ आता है तो बर्ड को हेल्थी माना जाता है और बर्ड में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है और बर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैं दिखाना चाहता हूं अपने फार्मर भाइयों की, हमने अभी बर्ड को एक मान लो 2 डोज जीप्लेक्स और ग्लैनफोर्ट की 3 दिन के बाद लगा दी थी और 1 डोज हम आज लगा देंगे जीप्लेक्स और ग्लैनफोर्ट की और इसके बाद हम अपने फार्म की लाइंस को साफ कर और सुबह मॉर्निंग में हम लसोटा वैक्सीन करवा देंगे बच्चे को ओरली ड्रिंकिंग माध्यम से और इसके बाद हम बच्चे को उससे नेक्स्ट डे हम अपना विटामिन ई देंगे। और इस प्रकार हमारा आगे का शेड्यूल नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और सभी फार्मर भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिस प्रकार हम आपके साथ हर वीडियो में अपडेट रहेंगे और हमें आप भी कमेंट में और कुछ नए आइडियाज़ पोल्ट्री के बारे में सजेस्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।